विजय माल्या बैंकों के 4,000 करोड़ रुपए जमा करने को तैयार। माल्या के वकील ने सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा प्रस्ताव। माल्या पर है 9,000 करोड़ रुपए का कर्ज। आरबीआई ने सुप्रीम कोर्ट को दी डिफॉल्टर्स की लिस्ट, सूची को सीक्रेट रखने को कहा। सुप्रीम कोर्ट ने आरबीआई से मांगी थी बड़े लोन डिफॉल्टर्स की लिस्ट। रोड एक्सीडेंट के मामलों में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, किसी जख्मी को अस्पताल पहुंचाने वाले शख्स को परेशान नहीं करेगी पुलिस। उत्तराखंड विधानसभा में फ्लोर टेस्ट से पहले सियासी दलों में सेंध मारने की कोशिश तेज। सूत्रों के मुताबिक रावत कैंप में सेंध लगाने के लिए बीजेपी ने भगत सिंह कोश्यारी को लगाया। केंद्र और कांग्रेस की याचिका पर नैनीताल हाईकोर्ट की डबल बेंच में सुनवाई जारी। बागी विधायकों को वोटिंग का अधिकार देने से कांग्रेस नाराज। केंद्र की ओर से अटॉर्नी जनरल कर रहे हैं पैरवी। विधायकों के वेतन में बढ़ोतरी के प्रस्ताव को मध्य प्रदेश कैबिनेट ने दी मंजूरी। 71,000 से बढ़कर 1,10,000 होगा वेतन। दिल्ली के सीएम केजरीवाल का केंद्र सरकार पर आरोप, कहा दिल्ली की सरकार गिराने का काम देश के एक बड़े उद्योगपति को सौंपा गया। उठे सवाल, क्या अपनी नाकामी का ठीकरा बीजेपी पर फोड़ रहे हैं केजरीवाल। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री संजीव बालियान के किसान से तीखे बोल। टोंक में फरियादी किसान को दी सख्त अंदाज में खुदकुशी की सलाह। अमिताभ बच्चन पर खुलकर चले अमर सिंह के तीर। इंडिया 24/7 के एडिटर वासिंद्र मिश्र के साथ एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में कहा, बोफोर्स कांड में 50 करोड़ से अमिताभ के वारे न्यारे। जानकारों ने की जांच की मांग आज का एजेंडा। 3 देशों के दौरे पर बेल्जियम की राजधानी ब्रसल्स में प्रधानमंत्री मोदी का जोरदार स्वागत। आज इंडिया ईयू समिट में लेंगे हिस्सा, फिर न्यूक्लियर सिक्योरिटी समिट के लिए वॉशिंगटन होंगे रवाना। 2002-03 में मुंबई ब्लास्ट के मामले में दोषियों की सजा का ऐलान आज। कल स्पेशल पोटा कोर्ट ने 10 लोगों को दिया था दोषी करार।